महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे बनारस से बहुत लड़के हैं, अंशुमान सिंह है, विक्रांत है, मनोज तिवारी है, तो इस टूर्नामेंट की आय से जो भी हम लोगों की इनकम होगी उसका एक हिस्सा हम बनारस में बहुत बड़ा महिलाओं का टूर्नामेंट कराने वाले, महिला क्रिकेट होगा और बहुत ही जैसे आईपीएल होता है उस तरह से हम वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी में भी रात की व्यवस्था नहीं है तो अभी दिन की होगी, लेकिन जैसे ही जो नरेंद्र मोदी जी नया स्टेडियम बना रहे हैं फिर वो उसमें शिफ्ट होगा। बट इसी टूर्नामेंट की आय से हम पूरे भोजपुरी क्षेत्रों का, केवल यूपी तक क्यों नहीं सीमित है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उस लेवल की हम लोग एक बड़ी सिलेक्शन करके और एक बड़ा महिलाओं का टूर्नामेंट करेंगे जो काशी में हो। ये इसी टूर्नामेंट के इनकम से किया है। थैंक यू सो मच। अभी ऑर्गेनाइजर में ही एक किसी ने कहा कि दिल्ली की बजाय आपने सजेस्ट किया कि बनारस में ये कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए। जी, बनारस के प्रति आपका प्रेम सब जानते हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी बनारस आए थे और अमेठी पे जाकर उन्होंने कहा कि मैंने बनारस के युवाओं को शराब पीकर सड़क पर सोते और नाचते हुए देखा है। आपको क्या लगता है कि वाकई बनारस बदल रहा है, जो वो देखिए आपने देख पाए? क्या है, सबकी अपनी अपनी नजर होती है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो जिसको जो पसंद होता है वो देखता है। तो हम तो काशी में महिला क्रिकेट का भविष्य देखते हैं, हम काशी में एथलीट्स का भविष्य देखते हैं, हम काशी में बन रहा स्टेडियम देखते हैं, हम काशी को पूरे उत्तर भारत का स्पोर्ट्स का हब बनाना चाहते हैं। हमें ये दिखता है, अब राहुल गांधी जी को नशेड़ी देखते हैं तो नशेड़ियों को नशेड़ी ही देखते होंगे, इसलिए हम उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो नशे से बाहर आए और स्पोर्ट्स के इस कॉज को देख सके। राहुल जी, दिल्ली के सांसद भी हैं, दिल्ली में दिल्ली के किसान समझ गए हैं, किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन अब धीरे धीरे वो भ्रम भी टूट रहा है। मैं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ जो अंदर खाने की चीजें हैं, साजिशें हैं, वो दिखा रही है। बाकी किसानों का सबसे बड़ा पैरोकार नरेंद्र मोदी जी है। किसान और युवा, स्पोर्ट्स, ये सब हम लोग करने